स्वागत है। तो आज फिर हम लोगों को इसी प्रोग्राम में टेंट हाउस की सजावट करना है, जिसके लिए इस टाइम अब हम अपने निंकू जी के पास आए हुए हैं। तो हमारे निंकू जी अभी अपने तैयारी में जुटे हैं, जबकि हमको हमने इनके पास 2 घंटे पहले ही फ़ोन कर दिया था कि भाई जल्दी आ, चलना है, काम ज़्यादा है। तो अभी ये बालक हैं, शायद हमारी बातों को ये कम मानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कि जब ये बड़े हों तो सीख जाएं पालन करना। दोस्तों, ये हमारे मैकेनिक, हमारे दोस्त निंकू जी के घर है, जो कि अब ये अपनी तैयारी में जुटे हैं हमारे साथ चलने के लिए। हाँ, तो देखिए, हमारे निंकू जी का घर बन रहा है, शायद इनके घर की घर का सब सारा काम ये लोग स्वयं ही कर रहे हैं, और ये अपनी मेहनत के बल पर अपने घर का निर्माण कर रहे हैं। शायद इनको सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं मिले हुआ है, तब भी बेचारे अपने मेहनत और लगन से अपने घर का निर्माण रहने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, हो सकता है कि भाई किसी कारणवश ना मिले हो, या देने वाले ग्राम प्रधान इनको ना दिए हों, कॉलोनी वगैरह। तो दोस्तों, इस टाइम अब हम निंकू जी के छोटे से एक खरगोश को भी दिखा रहे हैं, जो कि अभी ये अपने पिंजरे में कैद है, शायद चारा खाने के बाद इसको टहलने के लिए इसे मुक्त कर दिए जाए। और जस्ट इसी के बगल में निंकू जी की हमारी मुर्गिये भी अपनी चारा चुग रही हैं टहल टहल कर। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा निंकू जी के घर। अब हम लोग नागेश के घर जाने वाले हैं, तो नागेश का घर निंकू के घर से कुछ दूरी पर है। अब हम और हमारे निंकू अपनी गाड़ी से जाते हुए नागेश के घर के लिए। तो दोस्तों, अब हम नागेश के घर पहुंचने वाले हैं। तो हमारे निंकू जी के घर से नागेश का घर शायद 500 मीटर दूरी पर है, इसलिए अब हम नागेश के गांव में नागेश के लिए प्रवेश करते हुए देखना है कि नागेश इस टाइम घर पर है नहीं है कि नहीं है, लेकिन काम ज़रूरी है, इसलिए नागेश चाहे जिस स्थान पर होंगे उनको लेना अनिवार्य है। तो भाई, नागेश को लेने के लिए कहीं पर अब हम जा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। जय राम। जैसा कि हमारी स्क्रीन पर आप लोगों को हमारे दूध वाले भी दिखे होंगे, तो इसी के साथ अब नागेश का घर आ चुका है। आओ नागेश, चला आवा आवा। तो दोस्तों, शायद नागेश के पिताजी या उनके भाई के द्वारा घोड़ा पालन भी किया गया है, जो कि ईंट ढोने के काम में अधिक या उपयोगी होता है। और दोस्तों, इनके पास घोड़ा गाड़ी भी है, जिससे इनके रोज का खर्चा इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। तो अब हम नागेश जी के पास पहुंचते हुए, चलिए भाई नागेश जी, क्यों अभी तैयारी नहीं हुई? चलिए, कपड़ा ले लो, चलो आप दवाई दिला देगा। कहाँ बुखार होगी, चलो दवाई दवाई दे, चलो तुरंत है देख रहे, चलो दवाई दवाई देते हैं बगी में। चला हमारे टेंट वर्कर नागेश के घर, इनके पिता, चाचा और भाई के द्वारा घोड़े का भी पालन किया है, जो कि घोड़े के द्वारा भट्ठों पर ईंट ढोकर ये लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए पैसे को कमाते हैं। तो दोस्तों, इनका यह भी बिजनेस है या मेहनत का काम जो भी हो, लेकिन शायद घोड़ा पालन करके जीवन निर्वाहन करना इनके लिए अच्छा ही है, इसीलिए ये घोड़े का पालन किए हैं, जो कि हम आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर घोड़ों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर 2 घोड़ा है और इनके पास कुछ भैंस भी हैं दूध के लिए, या भैंस भी बिजनेस के रूप में हो सकती हैं, उनका पालन पोषण कर बेचने के लिए उनसे भी मुनाफा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हुआ गांव का जीवन। इसी वीडियो में अब हम
घोड़े को खाने वाले उसके नाद को दिखाते हैं, उसका जहाँ पर उसे बांध कर उसे चारा खिलाया जाता है। तो इसी के साथ ये हुआ तीसरा घोड़ा, जो कि दो घोड़ा हम एक साथ आप लोगों को दिखाए थे और एक ये अकेला घोड़ा। आज के वीडियो में बस इतना ही। शायद वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।